गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर टुवर्ड्स पीस इन द प्रीवियस वीडियो, एंड टू कंटिन्यू दिस आई एम जस्ट टेलिंग सम एक्सप्लेनिंग सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस, सम मैटर्स व्हिच आर वेरी रेलेवेंट फॉर दिस चैप्टर्स। I have written some important points also on the board. You will write down. It will enhance your knowledge as far as your studies concerned. आज हम आपको towards this का जो पिछले videos में हमने जो बताया था उसको continue जारी रखते हुए मैं उस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ, और कैसे वांगरी मकई मकई जो है जो एक अफ्रीकन लेडी है इनके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इन्होंने बचपन में ही इनको किस तरह से शिक्षा मिली, ये कैसे आगे बढ़ी, ये अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हायर एजुकेशन के लिए गई, फिर वहां से लौट के आई, फिर वहां पर कीनिया में जब ये लौट के आती है तो किस तरह से वो काम करती है, साथ ही कुछ किस तरह से नोबेल पीस प्राइज मिला जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। तो वांगरी मठाई किसी को प्राइज इस तरह से नहीं मिलती है, उनके बहुत सारे वर्क्स होते हैं और वो अपने लिए नहीं होते बल्कि दूसरे के लिए होते हैं, और ये हर इंसान के जीवन में हमें अपनाना चाहिए। नाउ कम टू द मैटर, वांगरी मठाई जब अमेरिका से लौटती है वापस आती है और जब कीनिया में जाती है देखती है क्या कीनिया जो अफ्रीकन कंट्री आप देखते होंगे ज्यादातर ही वहां पर गरीबी तो बहुत ज्यादा है, भूखमरी गरीबी बहुत ज्यादा है, लेडीज की स्थिति और भी बुरी है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लेडीज को गांव के साइड में लेडीज को पढ़ने नहीं भेजते थे, बच्चियों गर्ल्स एजुकेशन एकदम नदारद था। उस स्थिति में भी उनके वांगरी मठाई के फैमिली के मेंबर्स ने उन्हें पढ़ाने के लिए भेजा। एनीवे, जब वो लौटती है तो देखती क्या है कि वहां की अफ्रीकन लेडीज की स्थिति बहुत खराब है, बहुत बुरी है, बच्चे की स्थिति बहुत बुरी है, भुखमरी में लोग जी रहे हैं। ये भुखमरी हुआ कैसे, क्यों उन लोगों की स्थिति इतनी बुरी हो गई, और इस सबको यहाँ पर उन्होंने देखा कि वाई वुडंट वुमन गेट क्लीन वाटर, आखिर लेडीज को उनको क्लीन वाटर क्यों नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, क्लीन वाटर क्यों नहीं मिलता है, उनको हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है उनके फैमिली के लिए, आखिर इसका कारण क्या है। तो कारण गरीबी है, इट इज ऑब्वियसली गरीबी, गरीबी के कारण क्लीन वाटर गरीबी नहीं एक बहुत बड़ी सोच है, जब क्लीन वाटर क्यों नहीं मिल पा रहा है, हेल्दी फूड क्यों नहीं मिल पा रहा है, गरीबी तो कारण है ही। और जब उन्होंने मामले को बहुत ही गहराई से देखा तो देखा यहां तो सारा डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, और डिफॉरेस्टेशन के कारण लोग की स्थिति बहुत बुरी हो गई, यानी अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो गई, एकदम पूरा साफ हो गया उस इलाका, और ये उनकी गरीबी, उनका सही से पानी ना मिलना, उनके हेल्दी फूड नहीं मिलना उनकी गरीबी का एक कारण बन गया। तो वांगरी मठाई ने डिसाइड किया कि एक कैंपेन चलाएंगे, एक मूवमेंट चलाएंगे, और उस मूवमेंट का नाम था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, याद रखिएगा ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया, वांगरी मठाई ने चलाया, किस साल चलाया उन्होंने 1977 में, 1977 में उन्होंने चलाया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा उन्होंने अपने गार्डन से शुरुआत की थी, ये अपने ये कैंपेन उन्होंने मूवमेंट अपने गार्डन से शुरू किया, इसमें होता क्या था, इसमें प्लांटेशन होता, पेड़ों को रोपा जाता था, वृक्षों को प्लांट किया जाता था, लोग प्रमोट करते थे कि आप लोग भी उसको रोप उसको प्लांट कीजिए प्लांट्स को, और इस तरह से एक ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो है एक बहुत बड़ा स्तर ले लिया, काफी बड़े तादाद में अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्री में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, काफी बड़ी तादाद में, तो इतनी बड़ी तादाद हो गई कि ओवर 30 मिलियन ट्रीज
जो है प्लांट हो गए 30 मिलियन, आप सोच सकते हैं 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो इतना डेवलपमेंट हुआ प्लांटेशन में। तो इन्होंने देखा कि रूट कॉज क्या है, आखिर ये लेडीज वुमन जो है उनको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, आखिर इसका रूट कॉज क्या है। कोई भी बीमारी होती है तो रूट कॉज जानेंगे तभी तो बीमारी ठीक होगी। तो वांगड़ी पटेल ने देखा कि डिफॉरेस्टेशन बहुत बुरी तरह से हो चुका है, यानी बहुत सारे पेड़ कट चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया। आखिर उन्होंने मामला के तह में गए तो वो क्या सोची वांगड़ी मूवमेंट, वांगड़ी पटेल सोची देखी क्या ये जो डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है आखिर इसका कारण क्या है, वजह भी तो होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट फॉर द डिफॉरेस्टेशन। तो उन्होंने देखा कि डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है यानी पेड़ों की जो कटाई हुई है ड्यू टू, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू किसके कारण से, कैश क्रॉप्स के कारण से। मतलब बहुत लोग प्रमोट कर रहे थे उस एरिया में कैश क्रॉप्स को। आप कहिएगा कैश क्रॉप्स क्या है, कैश क्रॉप्स को ब्रैकेट में लिखा है क्रॉप्स यानी वैसे हम पेड़ नहीं रोप रहे हैं, हम खेत उसमें गेहूं अनाज वगैरह इस तरह का हमने ज्यादा काटना शुरू कर दिया, हाँ दाल वगैरह दलहन वगैरह उसको खूब काटना शुरू कर दिया और पेड़ का तो नामो निशान मिटा दिया। क्यों? क्योंकि उसको बेचने से उसको फायदा होता था, प्लांट हम कर दिए ट्रीज को, हाउ कुड वी गेट, हाउ कुड वी गेट द बेनिफिट, दैट वाई काफी प्रमोट हो गया, कैश क्रॉप्स लोग करने लगे, दैट वाज अ रूट कॉज बिहाइंड इट। और टू बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग भी बनना शुरू हो गए। आप जानिए कहीं भी बिल्डिंग्स बनेंगे काफी तादाद में उस एरिया को काटना पड़ेगा, पेड़ को हटाना पड़ेगा तभी तो मकान बनेगा, बिल्डिंग्स बनेंगे, ये भी एक कारण था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाएंगे और वो चलाई और काफी सक्सेसफुल हुआ। साथ ही इसके अलावा उन्होंने और क्या किया ये भी ध्यान दीजिए, डिसाइडेड शी डिसाइडेड, डिसाइडेड किसके लिए आया है, वांगड़ी पटेल के लिए। उन्होंने डिसाइड किया टू फाइट फॉर पीपल्स राइट्स, लोगों के अधिकार के लिए भी अब लड़ना है। उनका अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, उनके ड्यूटीज क्या है, उनके राइट्स क्या है, क्योंकि इलिटरेट लोग थे वो जानते नहीं थे कि भाई हमारा अधिकार क्या होता है, किस तरह से हमें लड़ना है। तो उन्होंने फाइट करने का एकदम प्लानिंग कर लिया, मैं फाइट करूंगी लोगों के अधिकार के लिए एंड डेमोक्रेसी। वहां डेमोक्रेसी वाली बात नहीं थी, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए भी क्या किया, वहां लोकतंत्र भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है और शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। उनके इस उसको लेकर, उनके एफर्ट्स को लेकर, उनके प्रयास को लेकर मैड वुमन हमने क्यों लिखा है, याद समझिएगा, कीनिया के उस समय कीनिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने वांगड़ी पटेल को मैड वुमन कहा, यानी पागल लेडीज। क्यों पागल लेडीज, क्योंकि वो अच्छे काम कर रही थी, पीपुल के लोगों का अधिकार के लिए लड़ रही थी और डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी, बोली नहीं यार पागल वाली बात है, मार्केट ये होना चाहिए वो करना, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो थी उस समय वो डिफॉरेस्टेशन में प्रमोट कर रही थी, समर्थन कर रही थी, उसको तो बुरा लगा, इसलिए प्रेसिडेंट जो है क्रिया का उन्होंने कहा कि नहीं कोई मैड वुमन नहीं है, तो पागल औरत है लेडीज है। लेकिन इस पर भी वांगड़ी मठाई ने काम को नहीं रोका, वो जेल गई, डंडा सही पुलिस का डंडा पड़ा, इतना बार जेल उनको जाना पड़ा इस बात के लिए, फिर भी उन्होंने अपना विरोध बंद नहीं किया। और जब विरोध बंद नहीं किया तो किसी ने पूछा कि मैडम आप इतना आपको कष्ट हो रहा है, आप अकेले इस तरह से आप कैंपेन में लगी हुई हैं, ठीक है और भी लोग आपके साथ आए हुए हैं, तो आप किस तरह से इसको कर लेती हैं। उन्होंने कहा ये मैं अपने मदर से मैंने सीखा,
अब उन्होंने कहा मदर से कैसे आपने सीखा? तो मेरी मदर ने मुझे बचपन में कहानी बताई थी, हमिंग बर्ड आप देखे होंगे अमेरिका में काफी पाया जाता है वो हमिंग बर्ड, ठीक है। तो हमिंग बर्ड एक हमिंग बर्ड थी, जब पूरे जंगल में आग लग गया चारों तरफ, एक बार कहानी हमको सुना रही थी मेरी मम्मी, मेरी मदर बचपन में क्या कहानी सुनाई थी आप ध्यान से सुनेंगे। मेरी मम्मी ने यह कहानी सुनाया, एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रह रहे थे, ठीक है, उसमें जंगल में आग लग गई, आग लगी, सभी जानवर जो है भागने लगे, भाग गए इधर उधर साइड में हो गए, क्योंकि आग से तो झुलसने का डर था, मर जाते नहीं निकलते, तो जंगल में आग लग चुकी थी, उनका बसेरा वहां था नहीं। तो एक उन्होंने देखा कि एक हमिंग बर्ड अपने चोंच से पानी लेकर, जितना भी उसके छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड, वो अपने चोंच से पानी उठाकर और जहां आग गिर रहा है मतलब आग था वो चोंच से फेंक रही है। तो एक कहानी था, इमेजिनेशन है, कहानी का सुनिएगा ध्यान से, और चोंच से फेंक रही है, चोंच से पानी उसको फेंक रही है बार बार, लेकिन वो आग जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रयास में है। लेकिन बाकी जो जानवर थे, जैसे हाथी को देखिए, हाथी एक बार चाहे तो सूंड से पानी उठाकर, और वो चाहे तो उस सूंड से पानी को फेंक सकता था, सभी मिलकर अगर करते वहां पर उस आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मात्र छोटी सी चिड़िया हमिंग बर्ड जिसका नाम है, उसने अपने चोंच से, छोटे से चोंच से उसने प्रयास किया। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम खुद को करना पड़ेगा, हमें दूसरे को नहीं देखना है कि वो करेंगे तब हम करेंगे। एक छोटा सा प्रयास भी बहुत कुछ हो सकता है, और उसी से इंस्पायर्ड होकर वंदनी बठाई ने कहा कि मैं भी अकेले उस हमिंग बर्ड की तरह क्यों नहीं वर्क कर सकती हूं, चाहे मेरा छोटा ही काम हो, छोटे से ही बड़ा होगा। और उन्होंने उस कहानी से इंस्पायर्ड होकर वो ये वर्क की, चाहे उसके लिए लाठी आसानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपनी जो नोबेल पीस प्राइज मिला, उन्होंने बहुत सारी बातें कही उसमें, उसमें यह भी कहा कि हम लोगों ने प्लांटेड ओवर 30 मिलियन ट्रीज हमने प्लांट किया दैट प्रोवाइड फ्यूल। अब देखिए इसका फायदा क्या मिला, 30 मिलियन ट्रीज जब प्लांट किया गया तो उस ट्री से क्या होगा, फ्यूल हमको प्रोवाइड होगा, फूड प्रोवाइड होगा, रहने के लिए अस्थल शेल्टर होगा, और उससे इनकम भी होगा, ठीक है। और इसके अलावा टू सपोर्ट चिल्ड्रेन एंड एजुकेशन एंड हाउसहोल्ड नीड्स, ये सब जब क्रिएट होगा तो किसको सपोर्ट मिलेगा, चिल्ड्रेन को मिलेगा एंड एजुकेशन। और उन्होंने एक अलावा ये तो काम हुआ, इसका बेनिफिट बताया, और एक और पॉइंट यहां पर देखिए, पॉइंट के रूप में लिखेगा, टू सपोर्ट चिल्ड्रेन एंड एजुकेशन एंड हाउस होल्ड नीड्स क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूव्स वेल्थ। ये सारे वर्क जो हुए उससे इसका रिजल्ट यहां पर देखिए क्या हुआ, चिल्ड्रेन को सपोर्ट किया गया एजुकेशन के लिए, हाउस होल्ड नीड्स घर की जरूरत है, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए, और इंप्रूव्स वेल्थ। और इस 30 मिलियन ट्रीज के प्लांटेशन से क्या होगा, सॉइल को इंप्रूव करेगा। तो अगर फॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट करते हैं, ये सारे फायदे हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। उन्होंने सिर्फ प्लांटेशन में ही नहीं किया, डेमोक्रेसी के लिए भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका कहना था वंदनी पंडित का कि प्रोमोट डेमोक्रेसी डिफेंड ह्यूमन राइट्स। अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए, हम डिफेंड करते हैं ह्यूमन राइट्स को भी, और इंश्योर इक्वालिटी, ये सारे काम उनके जहन में था वंदनी पंडित का। वो सिर्फ ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से ही नहीं जुड़ी थी, बल्कि डेमोक्रेसी से भी जुड़ी थी। डेमोक्रेसी हो हमारे कंट्री में, प्रमोट डेमोक्रेसी, डिफेंड ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के लिए भी लड़ी हो, एंड इंश्योर इक्वलिटी बिटवीन वुमन एंड मेन। इस काम के लिए बहुत सारे लोग भी आगे आए थे, जिसमें उसमें नेल्सन मंडेला का भी नाम था,
नेल्सन मंडेला यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे, कोफी अनन, ये सब इन सब नामों को उन्होंने लिया था जब उन्होंने इनको बांगरी मठाई को जब नोबेल पीस प्राइज मिला था उस समय जितने भी पर्सनालिटीज थे उनके उनको अभी नाम उन्होंने लिया था कि इन्होंने वर्क किया। तो इस तरह से इनके जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क में बीता और इन्होंने अचीव किया। तो हम अब हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म होगा ये चैप्टर, फिनिश है। आप इसका क्वेश्चन आंसर अपने स्तर से बना लेंगे, फिर हम आपके जैसा वीडियोज होगा फिर हम इसके लिए अलग से होगा तो क्वेश्चंस क्रिएट करके कुछ बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है? आप इसके लिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।